हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी टिकटॉक तो इंडिया से बैन हो गया है, पर उसके जैसे ही शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप वो भी मेड इन इंडिया जिसका नाम है चिंगारी अभी इंडिया में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। अभी तक इसके 10 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड हो गए। अगर आप चिंगारी में बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हो तो भी आप बहुत ही फेमस और पैसे कमा सकते हो। सो मैं आज आपको इस एप्लीकेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसमें कैसे एडिट कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चिंगारी एप्लीकेशन आपको iOS एंड Android दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और यहाँ पे जो ऐप साइज है अराउंड 32 MB है और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक इसके 10 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो गए। अभी इसको मैं यहाँ से ओपन करते हैं और ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मेन दो आइकॉन दिखते हैं, वीडियोस एंड न्यूज़। वीडियोस पे क्लिक करते हैं आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और जैसे आप न्यूज़ पे क्लिक करते हो आपको बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर यू, फॉलोइंग, नेशन, स्टेट, स्पोर्ट्स, आपको बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। ये जो फीचर्स थे आपको टिकटॉक में देखने नहीं मिलता था। नेक्स्ट बात करते हैं इस एप्लीकेशन में आप वीडियो कैसे शूट कर पाओगे और एडिट कर पाओगे उसके बारे में। सबसे पहले आपको वीडियो शूट करने के लिए इस आइकॉन पर क्लिक करना है इस तरह से, और जैसे आप क्लिक करोगे आपका फ्रंट कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। इस आइकॉन पर आप क्लिक करके अपने बैक या फ्रंट कैमरा के बीच में स्विच कर सकते हो इस तरह से, और यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी फ़ोन की फ्लैश को ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फीचर है, इस तरह से आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको नीचे फिल्टर का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक करके बहुत सारे फिल्टर्स को यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे फिल्टर्स को यूज किया, एक भी काम का नहीं है, सिंपली आपको नॉर्मली सबसे अच्छा रहेगा। और नीचे आपको टाइमर मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक करते हो आपको इस तरह से टाइमर मिलता है 5 4 3 2 1, और जैसे ही स्टार्ट नाउ आएगा आपका वीडियो शूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको वीडियोस की टाइमिंग शो हो रही है, यहाँ पे 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह से आपको वीडियो की टाइमिंग शो हो रही है। यहाँ पे आप जैसे स्टॉप पे क्लिक करोगे आपका वीडियो शूट होना स्टॉप हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे आपको नीचे मिलता है टाइमिंग 1x 2x 3x, यहाँ पे आप अपनी वीडियो की जो स्पीड होती है उसको भी सेट कर सकते हो। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ वीडियो शूट करना। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस बटन के क्लिक करना है। सो अभी वीडियो शूट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अभी मैं कुछ भी ऐसे एक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम आ रहा है 0.8 सेकंड इस तरह से। अभी मैंने इसको यहाँ से स्टॉप कर दिया और यहाँ पे जो टाइम है वो भी स्टॉप हो गया। सो अभी आप इस टाइम के दौरान अपना कपड़े चेंज कर सकते हो, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हो, इसी तरह से बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो और बहुत ही क्रिएटिव वीडियो शूट कर सकते हो। मैं इसको भी फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ इस तरह से, देखो फिर से मैं कुछ भी ऐसे एक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से टाइम जो हुआ था वो स्टार्ट हो गया आगे चलना। सो इस तरह से आप बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो शूट कर पाओगे। और साथ में आप अपने वीडियो में म्यूजिक एंड डायलॉग्स को भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे आपको ऐड मीडिया पे क्लिक करना है और बहुत सारे आपको म्यूजिक मिल जाएगा, जैसे कि आपको न्यू रील्स मिल जाएगी, आपको इसमें बहुत सारे न्यू म्यूजिक मिलते हैं, आपको ड्रॉइंग के वीडियोज मिल जाएंगे, आपको पेट के बहुत सारे साउंड मिल जाएंगे। और नीचे आप तमिल डायलॉग, पंजाबी डायलॉग, हिंदी डायलॉग भी आप ऐड कर सकते हो, पंजाबी सॉन्ग ऐड कर सकते हो, तमिल सॉन्ग ऐड कर सकते हो, आपको बेसिकली जो भी आपको सॉन्ग चाहिए आपको सभी यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको माई साउंड दिख रहा है, यहाँ पे आपको जितने भी सॉन्ग को डाउनलोड किया है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो इस तरह से आप अपने वीडियोस में म्यूजिक को ऐड करके इसको और भी क्रिएटिव बना सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इस एप्लीकेशन में आपको ड्यूएट वीडियो कैसे बनाना है। सिंपली आपको कोई भी एक वीडियो पे क्लिक करना है इस तरह से। अभी मैं इसका वीडियो पूरा ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इस वीडियो को इस तरह से लाइक कर सकते हो, यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करके आप उसे व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हो। अभी मैं बैक कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो आइकॉन है उस पर क्लिक करके आप शेयर वीडियो ड्यूएट और शेयर वीडियो, यहाँ पे आप ड्यूएट पे क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करते हो आपका फ्रंट कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और जैसे आप स्टार्ट करोगे आपका वीडियो स्टार्ट शूट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप बहुत ही सिंपल ही तरीके से इस वीडियो के साथ आप ड्यूएट कर सकते हो। अभी मैं इसको बैक कर रहा हूँ इस तरह से। सो ड्यूएट करना भी बहुत ही इजी है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को कैसे मैनेज कर सकते हो उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा स्विच लैंग्वेज का, इसको सिलेक्ट करके आप इस एप्लीकेशन को हिंदी, बंगाली, तमिल, गुजराती, इंग्लिश ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए यहाँ पे मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया हुआ है। आपको फिर से एक बार स्लाइड करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोफाइल सेटिंग्स, यहाँ पे क्लिक करते आपको देखने को मिलेगा अपना नाम, अपना यूजर नेम और आपने कितने पोस्ट किया है वो, आपके फॉलोअर्स एंड आपके फॉलोइंग। यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके आपके प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर जो कैमरा का आइकॉन है यहाँ पे क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल पिक्चर को भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करके आप अपने नेम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना यूजर नेम भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी अच्छा सा स्टेटस डाल सकते हो, यहाँ पे आप अपनी कंट्री चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी बर्थ डेट भी डाल सकते हो, और यहाँ पे ब्लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करके आपने कितनी प्रोफाइल को ब्लॉक किया यहाँ पे वो शो हो रहा है। अभी यहाँ पे नो प्रोफाइल फाउंड आ रहा है,
यहाँ पे अभी मैं बैक कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको माई पोस्ट दिख रहा है, माई गैलरी दिख रहा है और ड्राफ्ट दिख रहा है। अगर आपने इस एप्लीकेशन में कोई भी वीडियो को क्रिएट किया है और अपलोड नहीं किया तो यहाँ पे ड्राफ्ट में शो हो रहा है। नेक्स्ट अभी आपको चिंगारी एप्लीकेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। आप सब लोग आज से वीडियो बनाना स्टार्ट कर देना और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और भी ज्यादा अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो मिलते हैं अगले वीडियो में।